साइड चलते हैं पहले, थोड़ा आपको नॉर्थ का भी आइडिया मिलेगा, ब्लॉग्स मिलेंगे एक दो उधर से, पता लगेगा भाई कैसा क्राउड है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो अपना ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, ट्रैक्टर आई मीन गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है और अभी अपन निकलते हैं काम धाम के लिए। बादल हो रखे हैं आज और अभी टाइम हो रहा है 7:30 भी नहीं बजे हैं पूरे, तो बहुत जल्दी आज निकल रहे हैं, कई सारे काम करके आने हैं और प्लस अक्षु को पहले स्कूल भेजना है। 7:30 हो चुके हैं तो चलते हैं पहले और अभी आज का दिन का क्या क्या होने वाला है सारा कुछ आपको दिखाते हैं, प्लस कुछ अपडेट हैं जो वो देते रहेंगे बीच बीच में, वेदर वगैरह का अपडेट आज के वीडियो में हम आपको थोड़ा देंगे दिसंबर में कैसा रहने वाला है। और यहाँ पे क्या है, लंगूर बहुत दुखी करते हैं, सुबह सुबह वो लंगूर ऊपर रहते हैं नारियल के पेड़ पर और नारियल पर पूरा उधम काट देते हैं। गाड़ी ना मेरी साइड खींच रही है बार बार, हर बार जो है इधर जा रही है, बहुत तेज जा रही है और ये नहीं हल्की, तो उसका रीजन है इसके टायर में हवा कम है एक मेरी साइड वाले में ड्राइवर साइड, जिसकी वजह से क्या ये दिक्कत आ रही है। और मुझे लग रहा है पंचर है क्योंकि बार बार उसकी हवा कम हो रही है, पहले भी कम हुई थी अब फिर कम हो गई, और अलाइनमेंट का भी हल्का सा मुझे लग रहा है कि कराना पड़ेगा। अलाइनमेंट में रुका हुआ हूँ अभी क्योंकि टायर चेंज करने हैं, तो इसलिए मैं जब ही कराऊँगा एक साथ ही, फिलहाल आज इसका पंचर चेक करा लेता हूँ पहले, तो पता चला धोखा दे दे और अगोंडा में कहीं पे यहाँ पे मिलेगा भी नहीं कोई, क्योंकि 5 किलोमीटर है पंचर की जो दुकान है, पेट्रोल पंप पे मिलता है आके हाईवे पे, तो 5-6 किलोमीटर पड़ता है वो अपने अगोंडा से। तो ये एक्सरसाइज हो गई है और आज बहुत टाइम से निकल गए हम, सुलट गए, जल्दी आ गए थे आज अक्षु को जल्दी छोड़ के, लगभग 7:45 स्कूल में छोड़ के और हम यहाँ आ गए थे 8 बजे। रोज हम आते थे 8:15, 8:30 भी होते थे। हाँ, और अभी चलते हैं, पहले इसका मुझे ना पंचर दिखाना है। तो जी लंच हो गया अपना और लंच के बाद में अभी नींद आ रही है बिकट वाली, लाइट भी नहीं है आज काफ़ी टाइम से, अभी पिछले करीब आधा पौन घंटा हो गया लाइट गई हुई, पता नहीं कहीं पर कुछ काम चल रहा है क्या है, बीच बीच में आ रही थी और फिर चली जाती है 2 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के लिए आ रही है फिर जाती है। तो जी थोड़ी सी देर सोया जाके ऊपर और अभी जो है मुझे जाना पड़ रहा है चावड़ी, चावड़ी जाना पड़ रहा है अक्षु की ना शर्ट फटी हुई शर्ट ड्रेस वाली स्कूल की, तो वो फाड़ लाया, अब उसको जो है नई शर्ट बनवा के ला के देनी है, वरना कल से फिर स्कूल में जाने में दिक्कत आएगी उसको। उसका ये नया वो रहता है रोज कभी कुछ कभी कुछ, तो 2-3 बार तो पैंट फाड़ के लाया, वो तो खैर चलो सिल गई, इस बार शर्ट ज़्यादा बुरी हालत करके लाया। तो आज ना सुबह से बादल हो रखे हैं, ये देखो उधर धूप भी हल्की थी, बीच बीच में धूप आती है बीच बीच में जाती है, आज शायद सनसेट देखने में उतना अच्छा नहीं मज़ा आएगा। तो ये देखो पहाड़ों के ऊपर ना धुंध सी हो रखी है हल्की, मगर वेदर जो है अभी ठंडा है, दिन में हवा चल रही है और ठंडी हवा है, गर्म नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। और शाम को तो मतलब धूप जैसी जाती है तो थोड़ा सा ठंडी लगती है, हल्की फील होती है, पर इतनी ठंडी भी नहीं है कि गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़े, मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा रहता है पर गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे आप स्कूटी पर हो, कुछ लोगों को पड़ती है जो इधर से हैं या महाराष्ट्र से हैं, उनको थोड़ा सा वो फील होती है ठंड, ये वाली ठंड भी उनको ज़्यादा लगती है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अगली सुबह है और इसकी शर्ट वर्ट कल मैं देखा आ गया था आज मिलेगी, तो आज ये स्कूल तो गया नहीं क्योंकि आज वैसे भी क्या है 9 बजे तक या 9:30-10 बजे तक ही स्कूल था, लिबरल डे है ना आज, लिबरेशन डे है आज गोवा का, तो इसलिए इसने आज स्कूल कर दिया मिस। और आज बहुत दिन के बाद हम निकल रहे हैं भाई घूमने के लिए, हम जा रहे हैं आज नॉर्थ गोवा की तरफ, आज अपना कैफे 3 बजे तक हमने करा है बंद, तो 3 बजे के नहीं थे कब से? हाँ
मोनिका कह रही मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने दिन मैं इधर गोवा घूमने जा रही हूँ। सच में ऐसा फील हो रहा है मुझे, मतलब ये रास्ता ना मोनिका करीब 3 महीने हो गए लगभग, बीच में एक दिन मड़गांव गए थे शायद, है ना, बस लगभग 4 महीने हो गए, क्योंकि उससे पहले भी काम में लगा हुआ था 15 दिन, तो मैं तो कहीं गए नहीं हम, लगभग 4 महीने के बाद हम ऐसे जा रहे हैं घूमने के लिए तीनों एक साथ बहुत दिन में, और नॉर्थ गोवा गए हुए तो मुझे लगता है 6 महीने हो गए। मतलब बरसातों में गए थे शायद, बारिशों में भी जब बारिश शुरू हुई थी तब, हाँ तब गए थे जुलाई के आसपास, तो मतलब 5-6 महीने हो गए। चलो जी चलते हैं, अभी हम पहुंचे हैं ये अपना पारवे। तो जी काबो दे रामा क्रॉस कर दिया है और अभी हम आगे निकल रहे हैं। ये रोड थोड़ा सीनिक है, यूजुअली हम इधर से जाते हैं ज्यादातर, बट थोड़ा केयरफुल चलाने की भी नीड है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे स्लो और बहुत ध्यान से चलानी चाहिए, बस पतला है क्योंकि बहुत नैरो है रोड, इस पे ना पता ही चलता, और चढ़ाई कहीं पे ढाल और कर्व ना बहुत एकदम पूरे यूटर्न भी है, हाँ सार पे पूरे, तो कई बार स्कूटी वालों के साथ ज़्यादा हो जाता है, स्पीड तेज होती है और वो मुड़ती नहीं कई बार। गाड़ियाँ भी हमने कितनी तो एक बार नाले में गिरी देखी थी आगे। हाँ वो जो कौन सा गाँव है, हाँ कांगनी कनागनी कनागनी हम बैतूल पहुंच जाएंगे अब थोड़ी देर में, ये वाली चढ़ाई चढ़ के काबते रामा की कनागनी और उससे आगे फिर बैतूल। कैसा फील आ रहा है मोनिका, बहुत दिन के बाद फील, मैं ऐसा टूरिस्ट वाला फील करूंगा। हाँ स्काई तो बिल्कुल साफ है आज, हाँ थोड़ा सा धुंध सी है अभी, मॉर्निंग का टाइम है इसलिए भी हो सकता है। तो जी मड़गांव क्रॉस हो चुका है और ये साइड में बन रहा है मड़गांव से बाहर बाहर बाईपास, अभी इस पर टाइम लग जाएगा, ये बन जाए तो फिर बहुत बाहर बाहर निकल जाया करेंगे और टाइम भी बहुत कम लगे करेगा, एकदम ईजी हो जाएगा मड़गांव क्रॉस करना और मड़गांव को भी निजात मिलेगी अननेसेसरी ट्रैफिक से। हाँ क्योंकि बहुत गाड़ियाँ रहती हैं अंदर, जो टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ होती हैं वो सब बाहर बाहर निकल जाया करेंगी। तो अभी यहाँ से हो गया है डबल रोड, और अब मोस्टली डबल रोड ही मिलेगा आगे तक, पंजिम तक तो डबल ही रहेगा जो भाई। हाँ ये बड़ा शांत बैठा है आज, क्या लगा रखा है कानों में, कुछ नहीं, कुछ तो लगा रखा है, बड़ा शांत सा है। क्या ज्यादा देख देख के सर में दर्द होता है, क्या देख के, वो लाया था ना डाउनलोड करके कुछ मूवी पता नहीं क्या। नोजिया फील होने लग गया, मोशन सिकनेस, पता है मैं एक ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, अगर आप लोग ट्रैवल ज्यादा करते हो और आपको मोशन सिकनेस होती है तो कभी भी गाड़ी में बैठ के कुछ पढ़ो देखो ऐसा कुछ मत करो, बाहर देखते रहो। अरे नहीं वो ऐसे वीडियो गेम्स ये सब खेलता हूँ ना, हाँ। तो उसमें बॉडी वैसे वो हिलती है, ये इधर ये करना है, हाँ। तो कुछ नहीं होता, हाँ। पर ऐसे ये देखते रहो ना शो, हाँ। और अगर शो भी कतई बोरिंग डाउनलोड कर दिया हो तुम्हें पता चले, हाँ। तो पक्का फील होता है। शो में इंटरेस्ट आना चाहिए या तो, या फिर कुछ ऐसा। ओ तेरी कहानी अगर शुरू होगी ना, चलो जी चलो बंद कर।
क्रॉस हो गया, हम पहुंच गए हैं बेम्बोलिम और गाने चल रहे हैं। बहुत दिन के बाद ऐसा फील आ रहा है मोनिका, है ना? लेकिन अभी ना सच में मेरे को क्या फील हो रहा है, हम बूढ़े हो गए हैं। क्यों? पता है साइड से ना इतनी स्पीड में लोग निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है हम हाईवे पे चलना नहीं नहीं, नहीं ये मैं बहुत दिन के बाद गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मैं स्लो चलाता हूँ हाईवे पे, स्पेशली मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। नहीं, नहीं, और वैसे भी कोई फायदा नहीं तेज चला के, मुझे मर्सिडीज वाला गया साइड से, बातों पर मत जाया करो। 50 का नहीं हुआ, अभी 40 का भी नहीं हुआ। हाँ 39-40 एक ही बात, एग्जाम में मत कराइए 39-40 एक ही बात। हाँ क्यों? फिर तेरी टीचर बताएगी तेरे को तू मेरे से क्या पूछता है। चलो जी अभी पंजिम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में और मजा आ रहा है पूरा। ट्रैफिक है काफी रोड्स पे। ये इधर का बेम्बोलिम का चर्च है, बड़ा फेमस है। हाँ काफी बड़ा चर्च है ये भी। तो जी पोरवोरिम आ गए, 1.5 घंटा हुआ है अभी। स्लो भी नहीं चले। हाँ मतलब ठीक ही चले। हाँ पर ट्रैफिक एक घंटा तो मड़गांव तक का ही लग जाता है। अब मड़गांव से टाइम नहीं लगता इधर को। हाँ, मड़गांव से जो रोड सारा डबल और सब फ्लाईओवर हो गया स्टार्ट। हाँ ज्वारी ब्रिज पे यूजुअली बहुत ज्यादा टाइम लगता था, वहाँ नहीं टाइम लगता बिल्कुल भी। तो पोरवोरिम पहुंच गए, पहले अपन चल रहे हैं, कुछ शॉपिंग वोपिंग करनी है आज हमें। मोनिका ने बहुत टाइम हो गया पैसे खर्च नहीं करे, तो आज करके आते हैं। सीरियसली मतलब मेरे हाथों में पैसे खुजा रहे, पैसे नहीं जलाए। सीरियसली इतने गंदे गंदे इल्जाम देते ना ये लोग। चलते हैं फिलहाल हम पहले किधर, कलंगुट पैसे फूकने। हाँ पैसे फूकने कलंगुट साइड चलते हैं पहले, थोड़ा आपको नॉर्थ का भी आइडिया मिलेगा, ब्लॉग्स मिलेंगे एक दो उधर से, पता लगेगा भाई कैसा क्राउड है। हाँ हम भी देखने तो वैसे यही आए, क्राउड कैसा है। हम ही ठाली बैठे हैं क्या? साउथ वाले ही ठाली बैठे हैं बस। तो जी कलंगुट एंटर हो गए और ये देखो ट्रैफिक इधर। कलंगुट तो घुसते ही ऐसे हो जाता है भाई, अब इसको झेलने के लिए तैयार हो जाओ। काफी ट्रैफिक है इधर, होता ही है। अब किसी भी सीजन में आ जाओ, इवन ऑफ सीजन में भी आओगे तब भी इधर ट्रैफिक होता है, इधर रहता ही है। इधर का क्राउड कभी खत्म नहीं होता, ये 12 महीने वाला। देखो आपने ना मटका कुल्फी सुनी होगी, मटका मुर्गा भी होता है। हाँ मटका मुर्गा दैट इन बिरयानी। हाँ मेबी, हाँ ये लिखा मटका मुर्गा, दम बिरयानी। तो जी अभी पहुंच गए हम कलंगुट और यहाँ पे आए हम सबसे पहले डिकैथलॉन। तो इधर से कुछ सामान लेने हैं, बाकी इसके बाद चलते हुए मॉल दे गोवा से लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ से खरीद लेते हैं, क्या क्या खरीदना है देखते हैं मोनिका को अभी। तो जी यहाँ से हो गई अपनी सारी शॉपिंग और अभी क्या गर्म है। तो अभी चलते हैं हम एंड इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। बाकी अभी अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे थोड़ा नॉर्थ गोवा और इधर की तरफ थोड़ा घूमेंगे एंड इधर के और जो काम है वो करके फिनिश फिर निकलेंगे। तो चलो जी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर नहीं किया अभी तक। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।